नमस्कार सभी किसान भाइयों का, तो स्वागत करता हूं आपकी एक और शानदार सी वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो ट्रैक्टर हम लेकर आए हैं वो है महिंद्रा का यूओ टेक 585 DI, जो कि आपको फोर व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर की पूरी बात करेंगे, क्या इसमें आपको नए फीचर्स जो अदर कंपनी से हट के मिलेंगे, उसके अलावा क्या महिंद्रा ने अपडेट किया है काफ़ी कुछ 2024 में, तो उसकी बात करेंगे। ट्रैक्टर में कितने साल की वारंटी, सर्विसिंग की हर चीज़ की अपन बात करेंगे। कितना डीजल जो ये ट्रैक्टर है एक घंटे में खाता है, किस वाहन पर कितना खाता है, बाकी सब कुछ बात करें। वीडियो में जो नए हैं जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका मॉडल लिखा हुआ है, जो कि महिंद्रा यूओ टेक प्लस 585 DI, एक जो डीजी सेंस बाय महिंद्रा 4G, ये चीज़ महिंद्रा ने एक अपडेट की है। अगर आप जो किसान भाई ट्रैक्टर को खरीदते हैं, अगर आपका ट्रैक्टर कितना चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है, हर चीज़ का इस जो आप मोबाइल के ऐप में आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर की लोकेशन हो गई या फिर ट्रैक्टर में कितना डीजल खपत हुआ या फिर कितना इसमें पड़ा है, वो भी आप जो मोबाइल के ऐप में आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका ट्रैक्टर वगैरह चोरी हो जाता है तो उससे भी आप इस ट्रैक्टर की लोकेशन पता कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से। कुछ आपको महिंद्रा एक जोरदार सा एक जो फ्रंट लुक सिंगल पीस बोनट देती है। अगर आप अदर कंपनी देखेंगे तो आपको कहीं पर बीच में जो है ये साइलेंसर हो गया या फिर इसका एयर क्लीनर हो गया वो घुसर के कंपनियाँ देती है, तो इसमें कुछ आपको हटके मिलेगा। बढ़िया सा क्रोम फिनिशिंग फ्रंट के बोनट आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर कटिंग में महिंद्रा का पियानो ब्लैक में लोगो देख सकते हैं। बढ़िया से इसकी जो लाइट देख सकते हैं दमदार लाइट, अगर आप इन लाइट को चाहें तो बोनट को खोल के अंदर से आगे या पीछे या ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो लो या हाई का है वो तो आपको सिंपली वहाँ जो स्टीयरिंग के पास आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के साइड की, जो टायर की साइज दिखा दूँ आपको, इसमें आपको मिलेंगे 9-5-20 का टायर जो फ्रंट का है वो आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सा जोरदार सा ग्रिप देखने को मिलेगा आपको, 4 या 5 साल तक कोई भी इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलते हैं पीछे के टायर में, तो पीछे आपको मिलेंगे आयुष्मान कंपनी के टायर, जो कि आपको दिखा देता हूँ 14-9-28 का जो टायर की साइज होने वाली। बाकी यहाँ इस ट्रैक्टर में तो आपको फ्रंट में कोई बम्पर नहीं मिलेगा, अगर आप चाहें तो अलग से लगवा भी सकते हैं, कंपनी इसमें साथ में बम्पर देती है, बाकी अभी सर्विसिंग के मतलब शो के हिसाब से भी हटाया हुआ है। तो चलते हैं हम ट्रैक्टर के साइड में, आपको इस बार जो इसका ट्रैक्टर का इंजन खोल के दिखा देता हूँ कैसे कि आपको कंपनी इसमें इंजन प्रोवाइड करती है। और नॉर्मल से यहाँ पर इंजन खोलने का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप आसानी से इस इंजन को खोल सकते हैं। तो इसमें मिलता है दमदार आपको 3000 CC का इंजन, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एयर क्लीनर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ फ्रंट में आपको इसका जो रेडिएटर देखने को मिलेगा, और जो इसका हॉर्न है वो आपको कंपनी यहाँ प्रोवाइड करती है। और बढ़िया से आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो अदर कंपनी से उनमें आपको जो 3 सिलेंडर इंजन ही मिलते हैं 50 CC के जो ट्रैक्टर होते हैं, 50 HP के ट्रैक्टर होते हैं। बाकी महिंद्रा एकमात्र कंपनी जो आपको 50 या 40 सेगमेंट से जो ऊपर के ट्रैक्टर होते हैं उनमें आपको 4 सिलेंडर के जो है इंजन प्रोवाइड करती है। तो कर देते हैं, जो इसकी बैटरी है वो आपको साइड में लेगी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एक बार मैं आपको इसकी बैटरी दिखा देता हूँ, जो अदर ट्रैक्टर होते हैं फोर व्हील ड्राइव के उनमें आपको इतनी बड़ी साइज में बैटरी नहीं मिलेगी, महिंद्रा एकमात्र कंपनी है जो जिसमें आपको इतनी बड़ी साइज की बैटरी मिलेगी, 90 एम्पीयर की एक बड़ी सी जो एक्साइड कंपनी की बैटरी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आपको कंपनी है ऊपर सेफ्टी का देती है, अगर मान लो कोई किसान भाई गलती से यहाँ पर छूट जाए तो उनका हाथ ना चले, उसके लिए कंपनी ऊपर एक सेफ्टी का गार्ड दिया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक लाभदायक फीचर है। और बात करें यहाँ पर जो पावर स्टीयरिंग का पंप आपको कंपनी जो है यहाँ पर ट्रैक्टर की साइड में देखने को मिलेगा। और चलते हैं ट्रैक्टर के पीछे की साइड आपको दिखा देता हूँ, पीछे के अंदर आपको फंक्शन कितनी लिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने को मिलने वाली। बढ़िया से शानदार से आपको इसके पीछे इंडिकेटर लाइट दी हुई और यहाँ पर एक बड़ी लाइट दी गई, जिसको आप यहाँ ऊपर या नीचे आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मिलती है आपको दमदार 1800 किलो की जो लिफ्ट कैपेसिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। और यहाँ देख सकते हैं इसकी जो मल्टीपलों के पंप आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इसकी टापलिंग है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर कंपनी साइड में देती है, जिससे आप टापलिंग को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जो ट्रैक्टर है आपको बढ़िया सा मल्टी स्पीड पीटीओ, सिंगल पीटीओ, डबल पीटीओ आपको प्रोवाइड कर देती है। नॉर्मल ट्रैक्टर में आपको सिंगल एक्टिंग सेंसर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, बाकी महिंद्रा एक मात्र है जो इसमें आपको डबल एक्टिंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जो टापलिंग की, अगर आप जो अगर मजबूत मिट्टी है तो आप यहाँ से छेद चेंज कर सकते हैं, अगर जो स्मूथ मिट्टी है तो उसमें भी लिए आपको अलग छेद दिया गया है। तो एक बार मैं ट्रैक्टर के ऊपर चलकर दिखा देता हूँ कि ऊपर का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है, ऊपर आपको क्या किसी का चीज़ आपको प्रोवाइड कंपनी देती है। तो एक बार ट्रैक्टर के ऊपर चल के दिखा देता हूँ आपको। करें सीट की कंफर्टेबल की, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि महिंद्रा आपको कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पर, आपको सीट को यहाँ से आगे या पीछे करना हो तो उसका जो एडजस्टबिलिटी है आप यहाँ से कर सकते हो। आपको डीजी सेंस 4G जो ट्रैक्टर है वो कैसे सेंस करता है, एक यहाँ पर एक को आपको डिवाइस दिया गया है जिसकी मदद से आप जो फुल्ली जो लोकेशन वगैरह आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर, कैसे क्या ऊपर से लुक आता है ट्रैक्टर का,
ट्रैक्टर ऊपर से काफी ज्यादा बड़ी साइज में आपको ट्रैक्टर मिलेगा, जो कि जॉन डियर है उनको आप कम्पीट कर सकते हो इस ट्रैक्टर के मुकाबले। यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है शानदार सा बढ़िया सा डिजिटल मीटर, जिसमें आपको जो RPM है, न्यूट्रल है वगैरह हर चीज आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से। यहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है 52 लीटर की जो डीजल की टंकी है फ्रंट में, और आपको दिखा दूँ जो इसका क्लच ब्रेक वगैरह है आपको फुली जो बोलेरो है उसमें मिलते हैं उस टाइप के। इसमें आपको जो क्लच वगैरह सारे सस्पेंशन आपको देख सकते हैं। इधर साइड आपको इसका जो एक्सीलेटर है देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको ट्रैक्टर का जो साउंड है वो सुना देता हूँ, कैसे क्या ट्रैक्टर आपको साउंड करेगा। आपको ये वाली चाबी मिलेगी जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में स्वराज की ट्रैक्टर है, जो कि कंपनी दोनों एक ही रहती है, स्वराज और जो ट्रैक्टर रहते हैं स्वराज के वो भी महिंद्रा ही बनाती है, तो लगभग चाबी आपको सेम देखने को मिलेगी। चाबी लगाने की जो जुगाड़ है आपको यहाँ व्यवस्था यहाँ दी गई, आपको यहाँ से आप चाबी को एडजस्ट लगा सकते हैं। और बाकी यहाँ इसका जो दी गया लाइट वगैरह एडजस्ट करने का, ट्रैक्टर जो बंद करने की सुविधा आपको यहाँ मिलेगी, और जो इसको यहाँ पर बढ़िया सा एक चार्जिंग बोर्ड दिया गया है देख सकते हैं, और जो मोबाइल अगर रखना हो तो आप इसमें रख सकते हो। इसकी जो फ्रंट लाइट वगैरह आप यहाँ से सिंपली जो देख सकते हैं, और ऑफ ऑन वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसका हॉर्न है आपको इसमें बढ़िया से आपको कंपनी जो है पावर स्टीयरिंग प्रोवाइड करती है। एक बार मैं आपको जो टर्निंग रेडियस दिखा देता हूँ ट्रैक्टर कितनी देने वाली है। बढ़िया सी पावर स्टीयरिंग के साथ आप देख सकते हैं कितनी कम जगह में आप ट्रैक्टर को काट सकते हैं फुल्ली। आपको जो देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो टर्निंग रेडियस है कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर दिखा दो जिसका हैंड का जो एक्सीलेटर है वो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्टर में आपको 4-व्हील ड्राइव जो है अगर आपको स्टार्ट करना है चलाना है तो आपको एक यहाँ पर गियर दिया गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर जो फ्रंट की जो स्क्रीन है इसमें आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं देती है जो ट्रैक्टर में, आपको जैसे इस गियर को आप आगे लोगे तो 4-व्हील ड्राइव एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पर आपको जो फ्रंट की स्क्रीन में आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि भाई जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो एक्टिवेट हो गया है। बात करें ट्रैक्टर में गियर की, 12 गियर आपको इस ट्रैक्टर में फॉरवर्ड मिलेंगे और 3 गियर आपको जो है इसमें रियर देखने को मिलेंगे, और 5 गियर इधर मिलेंगे आपको, और लो हाई मीडियम का इसमें आपको इधर न्यूट्रल का इधर देखने को मिलने वाला है। बाकी बात करें एक PTO का अलग से गियर है इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, SLI PTO आप इस गियर को बोल सकते हैं। तो ये गियर ट्रैक्टर में इसलिए देती है कंपनी ताकि जो किसान भाई अगर ट्रैक्टर को पलटी पलो या फिर मशीन पर चलाएं तो जो PTO का जो क्लच वगैरह आप यूज़ करते हैं वो कम से कम हो, इसलिए आपको सिर्फ इस गियर से आप इसे जो PTO को बंद या चालू कर सकते हैं। बात करें ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो जो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। नॉर्मल ट्रैक्टर में आपको जो है छोटा सा ही प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें घुटने टच वगैरह होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फुली कंफर्टेबल, अगर एक आदमी इधर और एक आदमी इधर भी खड़ा होना तो भी कहीं ना कहीं जगह बच जाएगी आपके लिए। ट्रैक्टर में हैंड ब्रेक की, तो आपको इस साइड में देख सकते हैं जो इसका हैंड ब्रेक कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जब आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ से आप जो इसका हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। तो बढ़िया चीज़ों दिखाऊँ जो आप देख सकते हैं अदर कंपनी के हो गए ट्रैक्टर, उनमें आपको इतनी ज़्यादा वारंटी जो महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है आपको इतनी जो किसी अदर ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगी, जो फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्री आपको या तो स्वराज में मिलेगी या फिर ओनली ऑन महिंद्रा में मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फायदेमंद किसान भाइयों के लिए रहने वाला है। बढ़िया ड्यूल क्लच का जो स्टिकर आप देख सकते हैं डीजी सेंस का मैंने आपको बता ही दिया है, और जो 4-व्हील ड्राइव है और SLI PTO आपको जो कंपनी प्रोवाइड करती है 4-व्हील ड्राइव का आपको मैंने बता दिया है, तो ये चीज़ आपको कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है। बात करते हैं जो ट्रैक्टर की कीमत की, तो क्या आपके लिए 2024 में ट्रैक्टर वैल्यू फॉर मनी होने वाला है नहीं होने वाला है वो आप चीज़ कमेंट में बताना। बाकी फीचर तो आपको मैंने बता ही दिए हैं। कीमत बताऊँ इसकी जो ट्रैक्टर की, मंदसौर में जो महिंद्रा का शोरूम है वहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर की कीमत होने वाली है 9,80,000 इस ट्रैक्टर की कीमत आपको मिलने वाली है। एक बार आप शोरूम में आके विजिट करें, सारे जो 4-व्हील ड्राइव है 2-व्हील ड्राइव आपको ट्रैक्टर यहाँ पर जो है जो शोरूम वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आया हूँ मंदसौर के परवेश ट्रैक्टर में, जहाँ पर आपको जो है सारे इस मॉडल के ट्रैक्टर अवेलेबल होते हैं। अगर आपको रोटावेटर लेना है इस कंपनी के वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेने हैं तो वो यहाँ पर पीछे की साइड में ट्रैक्टर सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी जो नए मॉडल है अगर आपको बगीचे के लिए यूज़ लेना है तो यहाँ पर जो मिनी ट्रैक्टर खड़ा है महिंद्रा का वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बढ़िया आपको ऑफर वगैरह यहाँ पर जो है शोरूम पर मिल जाएंगे। बाकी जो नए ट्रैक्टर है वो सारे आपको यहाँ पर जो है शोरूम के अंदर ही मिल जाएंगे। यहाँ पर है मैनेजर साहब बैठे हैं अंदर, आपको अगर कौन सा भी ट्रैक्टर लेना हो तो अच्छी कीमतों के साथ जो मैनेजर साहब है ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मंदसौर परवेश ट्रैक्टर महिंद्रा शोरूम पर पुराने सभी कंपनियों के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, जो सस्ती कीमत में आपको मिल सकते हैं, और नए ट्रैक्टर महिंद्रा ट्रैक्टर यूओ प्लस भी यहाँ पर सभी सीरीज में उपलब्ध हैं। आप आइए एक बार, सेवा का अवसर दीजिए,